एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बिहार लॉकडाउन के बारे में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो इनके जरूरी गाइडलाइंस, जरूरी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा अलग है मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, लेकिन स्पेशली ये वीडियो बिहार के लोगों के लिए थोड़ा सा अलग मैंने कोशिश किया है आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने की। क्या क्या चीज़ें अलाउ होंगी, क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कौन कौन से दुकानें खुली रहेंगी, कौन कौन से दुकानें बंद रहेंगी, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसके बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। नीतीश कुमार जी ने ये अपडेट अपने ट्विटर हैंडल से दिया और 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया। किसी भी तरह का क्राइसिस ना हो, इसके लिए उन्होंने अपना गाइडलाइंस भी जारी किया। पीआईबी इन बिहार मास्क योरसेल्फ, पीआईबी पटना के द्वारा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी रिलीज किया गया है। तो बिहार सरकार ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यह प्रतिबंध लगाया है, और जरूरी भी था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लो टेलीग्राम ऐप में @PallavasuFilms। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए बिहार में 15 मई तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पटना हाईकोर्ट ने पूछा था कि क्या सरकार लॉकडाउन लगाएगी कि नहीं, तो इसी के ऊपर नीतीश कुमार ने अपना जवाब दिया और उन्होंने बोला कि हाँ, लॉकडाउन लगाया जाएगा। और लॉकडाउन का आज पहला दिन था, तो किस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आई उसको पहले चेक कर लेते हैं। देख सकते हो पुलिस कानूनी तौर पे सख्त है, लोगों को बोल रही है कि आप अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकले। देख सकते हो कुछ लोग भी बाहर हैं, दुकानें बंद है, तो फाइनली लॉकडाउन इम्पोज हो चुका है। बिहार में कोरोना की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख के पार केसेस पहुंच चुके हैं। अब तक 5,09,047 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, लगभग 4 लाख लोग इसमें ठीक भी हो चुके हैं, अच्छी बात है, और लगभग 1,07,000 लोग अभी पॉजिटिव है, तो जो कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। बिहार में जो 3 मई तक की रिकवरी रेट है वो 78.29% है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा और पॉजिटिव रेट घटता जाएगा। 15.70 पॉजिटिव रेट है अभी, इसको भी डाउन होने में थोड़ा सा समय लगेगा। साथ में लॉकडाउन में खाने की किल्लत ना हो, इसको देखते हुए पटना में 11 जगहों पर कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। मतलब टोटल 11 जगहों पर कम्युनिटी किचन खुला हुआ है, तो जिन लोगों को भी भोजन करना है तो वो इजीली भोजन कर सकते हैं। बिहार में बुधवार को ये पूरा डिसीजन लिया गया और पटना कम्युनिटी किचन को खोल दिया गया, तो कम्युनिटी किचन में जो भी लोग खाना चाहते हैं वो इजीली कम्युनिटी किचन में खा सकते हैं। सभी केंद्रों पर नोडल पदाधिकारी को नियुक्त भी किया गया है ताकि सुरक्षा और सेवा अच्छी तरह से दी जाए। कम्युनिटी किचन की बात की जाए तो फ्री में फूड आपको दिया जाएगा। देख सकते हो आप पटना शहरों में पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मिलर हाई स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल में प्रशासन के द्वारा ये कम्युनिटी किचन और फूड सप्लाई चालू की गई है, जबकि नगर निगम के द्वारा गायघाट, रैन बसेरा, मैकडोवल चौक, मलाई पकड़ी, एसकेपुरी, समुदाय भवन, कुनकुन सिंह लेन और डीएबी सगुना मोर, सैदपुर नहर के पास लोगों को भोजन की सुविधा मिलेगी। पटना के डीएम ने निर्देश दिया है कि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है। जिनको भी फ्री में फूड चाहिए आप जरूर से यहाँ पे जाके भोजन कर सकते हो, लेकिन जरूरी हो तभी निकलना, वरना बाहर मत निकलना। साथ में आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी। तो इसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस, सिविल डिफेंस, सैनिटेशन, फायर ब्रिगेड, वाटर सप्लाई, हेल्थ सर्विसेज, ये चीज खुले रहेंगे। बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम खुले रहेंगे, तो जरूरी होगा तभी आप जाना। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहेगा, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स वो भी चलेंगे, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज खेती ये सब भी चीज चलेंगी, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे, टेलीकॉम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज ये भी चीजें खुले रहेंगे, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम, गैस रिटेल एंड स्टोरेज आउटलेट्स मतलब गैस की दुकानें, पेट्रोल पंप ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विसेज ये भी खुले रहेंगे। इसके अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज वो भी खुले रहेंगे, शॉप्स इंक्लूडिंग राशन शॉप्स, डीलिंग विथ फूड, ग्रोसरीज, सब्जियाँ, फल, डेयरी, मिल्क बूथ, मीट, फिश, एनिमल फूड ये सारी चीज़ें खुले रहेंगे। शॉप रिलेटेड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मीट, फिश शैल रिमेन ओपन ओनली बिटवीन 6 बजे से 11 बजे तक, यानी कि फल सब्जी और साग सब्जी और मीट और मछली की दुकानें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे।
इसके अलावा ऑफिसेज रिलेटेड टू जुडिशियल वर्क विल बी रन एज पर गाइडलाइंस इशू बाय पटना हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी जुडिशियल सर्विसेज हैं वो भी चीज़ें खुले रहेंगी, हॉस्पिटल्स, उसके अलावा मेडिकल शॉप्स इंक्लूडिंग देयर मैनुफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जो भी हॉस्पिटल्स हैं, दवा के दुकानें हैं, वो सभी चीज़ें खुले रहेंगे अपने तय समय पर, मतलब कि वो खुले रहेंगे, उनको बंद नहीं किया गया। केमिस्ट के दुकान, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें अपने तरह से काम करते रहेंगे जैसे नॉर्मल हैं, इस पर कोई भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल मेडिकल पर्सनल, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ्स, अदर हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विस इज परमिटेड। जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे कि नर्स, पैरामेडिकल, हॉस्पिटल्स की गाड़ियाँ, ये सभी चीज़ चलेंगी। जितने भी गुड्स कैरिंग व्हीकल्स हैं जो उसमें सामान लाए जाते हैं वो भी चालू रहेंगे। प्राइवेट व्हीकल्स कैरिंग पैसेंजर फ्रॉम एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, अब देखो जो भी लोग को एयरपोर्ट जाना है या फिर रेलवे स्टेशन जाना है या आना है वो चीज़ें खुले रहेंगे। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ड्यूटी खुले रहेंगे और इंटर स्टेट हाईवे एंड पीपल ट्रैवलिंग टू अदर स्टेट, ये भी चीज़ें खुली रहेंगी। तो इतनी चीज़ें खुली रहेंगी, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, तो जितने भी सरकारी कार्यालय है, दफ्तर है, वो बंद रहेंगे। कोई भी आदमी अगर अननेसेसरी इधर उधर घूमता है रोड पे तो उसको बैन किया जाएगा, पुलिस उसे पकड़ सकती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले रहेंगे लेकिन सिर्फ 50% आदमी उसमें बैठ सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे, तो जिसको ज़रूरी है सिर्फ वही जाना है। इसके अलावा ई पासेस आपको रखने जरूरी होंगे अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर जाते हो तो। देन उसके बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशन बंद रहेंगे, कोई भी एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट नहीं हो रहा है और बिहार में तो गर्मी छुट्टी भी लगा दी गई है। साथ में जितने भी रेस्टोरेंट हैं और खाने पीने की दुकानें हैं ये भी चीज़ें बंद रहेंगी, सिर्फ आप यहाँ पे, मतलब बंद रहेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे ले सकते हो। ओनली टेक अवे ऑप्शन विल बी अवेलेबल, सिर्फ आप लेके जा सकते हो, यहाँ पे बैठ के नहीं खा सकते हो, ये सभी चीज़ें बंद रहेंगी। इसके अलावा जितने भी सिनेमा हॉल है, शॉपिंग मॉल है, स्विमिंग पूल है, स्टेडियम, जिम, पार्क, ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। नो फंक्शन आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट विल बी अलाउड, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं होगा। शादी अगर किसी का है तो उसको मैं चाहता हूँ कि आप पोस्टपोन ही कर दो, लेकिन यहाँ पे 50 आदमी के साथ अलाउ किया गया है। कोई भी डीजे नहीं होगा, बारात कोई भी नहीं होगा, शादी एकदम सिंपल होगा और शादी करने से 3 दिन पहले आपको एडवांस में पुलिस स्टेशन को बताना होगा। साथ में अंतिम संस्कार में कम से कम 20 लोग ही जा सकेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग जा सकेंगे, उसके अलावा नहीं लोग जा सकेंगे। तो ये कुछ नियम है जो आपकी आपको पालन करना है और ज़रूर से पालन करना, क्योंकि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अगर काम हो तभी जाना वरना मत जाना, और सारी चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाने वाली है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और फाइनल मैं ऐड कर दूँ आप सभी को कि रैंकर्स लेके आया टेस्ट सीरीज, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, जेईई मेन एग्जामिनेशन, बैंक एग्जामिनेशन, सीएचएसएल एग्जामिनेशन, तो आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। इनका मोबाइल ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर मान लो आपको टेस्ट सीरीज परचेस करना है जेईई मेंस का, तो सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे इस तरह का वेब पेज ओपन होगा और सिंपली आपको 3500 रुपीज देना होगा अगर आपको टेस्ट सीरीज बाय करना है तो। लेकिन आपको इतना देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली कोड यूज करो PAF और अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 2400 रुपये में ये टेस्ट सीरीज परचेस कर पाओगे, क्योंकि एग्जामिनेशन देने से ज़्यादा आपको टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट दोगे तो आप एग्जामिनेशन में भी अच्छे कर सकोगे। PAF कोड यूज जरूर से करना, यहाँ पे आपको नए पैटर्न के हिसाब से टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी बैंक, रेलवे, SSC, तो आप परचेस कर सकते हो टेस्ट सीरीज, तो 199 रुपीज़ है, लेकिन इतने देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली PF10 कोड यूज करो और अप्लाई कर देना। जैसे ही आप अप्लाई करोगे 50 रुपये का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और 150 रुपीज़ में आप परचेस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ विजिट कर लेना, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।